वाहेगुरू जी का खालसा, वाहेगुरू जी की फतेह। अज दसवें पिता गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी के प्रकाश दिहाड़ा पूरे देश विदेश से मनाया जा रहा। गल करिए जलंधर शहर की, जलंधर शहर के भी अज अलग अलग गुरुद्वार सबाना के प्रकाश दिहाड़े मनाए जा रहे हैं। असं इस टाइम खड़े हाँ गुरुद्वारा गुरु तेग बहादुर साहिब गुरुद्वारे साहब के, देख रहे हो जो इतने जो प्रकाश दिहाड़ा जो मनाया जा रहा हर साल की तरह इस साल भी इस गुरुद्वारे के बड़ी धूमधाम के जो प्रकाश दिहाड़े मनाए जाते हैं। संगतों वालों बाबा जी का आशीर्वाद लैके जो है इतने मत्था टेकया जाता तो रागी जत्थिया वालों जो शब्द गायन किए जाते हैं। आओ असी तुहानू असी तस्वीर बाबा जी दे अंदर दीयां तस्वीर तुहानू दिखाने दर्शन करवाने बाबा जी दे। साढ़े ना गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के मैंबर समान आप उन्होंने गलबात करते हैं। हर साल गुरपुर मनाते हैं सर, अज जल पूरे हिंदुस्तान के जो जन्मदिन दिहाड़ा मनाया जा रहा प्रकाश दिहाड़ा मना। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। वाह प्रगटियो मर्द अगंबड़ा वरियाम अकेला, वाह वाह गोबिंद सिंह आपे गुरचेला। तही प्रकाश हमारा प्यो पटना शहर विखे भव लियो, ऐसे दीन दयाल सरबंस दानी अमृत के बाणी। धन धन करगे वाले पातशाह महाराज के प्रकाश दिहाड़े के संबंध में पूरे संसार च गुरु गोबिंद सिंह महाराज का प्रकाश दिहाड़ा बड़ी उत्साह उत्साह प्यार मनाया जा रहा है, जिस भी सारे शहर दियां संगतां जलंधर विच विशेष तौर ते सारे शहर दियां संगतां सारे गुरुद्वारिआं साहिब विच अज 5 जनवरी नूं तंत्र कलगियां पातशाह महाराज दा बनाया गया है। महाराज ने एक पूरा सरबंस अपना जिन्हें ये पुरख ने जिन्हां ने अपना पिता वारिया, परिवार वारिया, बच्चे वारे, अपनी माता दा बलिदान दिता, इसलिए उन्होंने सरबंस दानी कहते अमृत की दात इन्होंने शुरू की। चिड़िया से मैं बाज चढ़ाऊँ, सवा लाभ से एरों तबे गोबिंद सिंह नाम खाऊँ। सरबंस दानी महाराज जी इन्नी अपनी उम्र में कलम के माहर सन, जिथे उन्होंने शमशीर में ताकत सी उत्थे कलम च बहुत ताकत सी। जो औरंगजेब ने उन्होंने जफरनामा लिखिया तो जफरनामा पढ़ के ही मंजी से बीमार हो गए, बाद मौत हो गई, वो मौत का कारण जफरनामा सीगा। सो महाराज के शमशीर के माहर सन और सारिया भाषावान और सारे ही काम च माहर सन। उन्होंने जुलम का टाकरा करने लई सिख पंथ नूं अमृत छका के पंज प्यारिआं नूं तैयार किया, जुलम का टाकरा किया। तो सारे संगत नूं, सारे सरबंस नूं, सारे नूं गुरपुरब की लख लख वधाई। और गुरद्वारा गुरु तेग बहादुर नगर विखे विशेष तौर पर सुभाग जो सवेरे अमृत वेले तों लै के दुपहरी 3 बजे तक चल रहे हैं, तो शाम के सुभाग 5 तों लै के रात के 10 बजे चल रहे हैं। सारिया संगतों नूं बेनती है कि गुरु घर आ के गुरु दीआं खुशियां मानो जी। गुरु वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। और भी प्रबंधक कमेटी हर साल गुरपुर दसवें पातशाह प्रकाश दिहाड़ा मनाया जाता है। अज गुरु तेग बहादुर साहब जो देखिए रौनकां लगियां होईआं, संगतां बाबा जी का आशीर्वाद लैण लई किहड़े पहुँच गईआं। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। धन धन श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज का अज प्रकाश उत्सव है, सब संगतां नूं लख लख वधाइयां होण। ये जो प्रकाश उत्सव है अज दे दिहाड़े दे विच संगतां दा बहुत ही उत्साह देखण नूं मिल रहा है। सवेर तो गुरु घर गुरद्वारा नौवीं पातशाही गुरु तेग बहादुर नगर विखे संगतां ही बहुत ही उत्साह है, और रागी जत्थे सवेरा तो ही गुरबाणी दे कीर्तन सुना रहे हैं और संगतां नूं निहाल कर रहे हैं। और इत्थे इस तों बाद हुण 2 बजे दे करीब संगतां नूं लंगर दा प्रसाद जिहड़ा है वह वरताया जाएगा। और समूह संगतां नूं बेनती है वध चढ़ के इस गुरपुरब दे विच आ के हिस्सा लवो और महाराज दीआं खुशियां प्राप्त करो। वाहेगुरू जी का खालसा, वाहेगुरू जी की फतह। तो देखिए असी प्रबंधक कमेटी के नाल गलबात की गई है जो दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी का प्रकाश दिहाड़ा जो पूरे देश विदेश मनाया जा रहा। गल करिए पंजाब दी, पंजाब दे अलग अलग गुरुद्वारे सबाना दे विच जो है कीर्तन रागी जत्थिया वालों जो कीर्तन किए जा रहे हैं, संगतों वालों बाबा जी का आशीर्वाद लिता जा रहा है। कैमरामैन सुनीता दे नाल सोनू महाजन, जगबाणी टीवी जलंधर।